शानी। सो हमारा ये डे टू है बोधगया में, और आज हम मॉर्निंग में अभी अभी उठे हैं और हम सोच रहे हैं कि गार्डन चलते हैं। एज कल एन का गार्डन जाने का बहुत ही ज़्यादा मन था, बट रात हो चुकी थी तो हम जा नहीं पाए। तो आज हम गार्डन जाते हैं मॉर्निंग में पहले, और उसके बाद माया हेरिटेज हमारे होटल में हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए गार्डन चलते हैं। हमारे होटल माया हेरिटेज से बस वॉकिंग डिस्टेंस था 3-5 मिनट्स। अब हम लोग गार्डन से आ चुके हैं, अब हम लिफ्ट में हैं और जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ही भूख लग रही है। अयान ये अभी भी नींदों में है, चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। करने के बाद थोड़ा सा मैं सो गई थी, हाँ बिकॉज नींद आ रही थी। तो अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अभी देखते हैं कहाँ चलेंगे आज। सो गाइस देख सकते हैं आप, हम रेडी हो चुके हैं एकदम नहा धो के एकदम चकाचक। सो अभी अब हम बोधगया को और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, तो चलिए रोड पे घूमते हैं। मौसम वेदर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बारिश हुई थी कल अच्छी वाली। लोकल एक्सप्लोर करते हैं, खाते हैं पीते हैं, चलिए जल्दी से चलते हैं। आदम
चारों साइड से टक 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 अरे घर आ चुके हैं उसी रोड पे जहाँ पे हम कल थे। अभी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। प्लीज भागा मत रोड पे। हाय बाय ब्रो। सो गाइस, अब हम इस गार्डन में एंटर हुए हैं। आई गेस मैंने सुना था यहाँ पे बुद्धा की कोई बड़ी सी मूर्ति है। देखते हैं, बहुत ही अच्छा गार्डन है। वो रोज फ्लावर्स है, एक सेकंड। इन्फॉर्मेशन गाइस गलत मिली है, यहाँ पे बुद्धा की कोई मूर्ति नहीं है। वो आई गेस कहीं और किसी गार्डन में थोड़ा सा इशू हो गया था, भूल गए हैं हम, पता नहीं, देखते हैं अभी। बट ये तो नॉर्मल गार्डन है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। बट फिर भी बहुत अच्छी जगह है, एकदम देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। अभी गूगल पे यही सर्च कर रहे हैं कि आखिरकार वो मूर्ति है कहाँ। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। बट ये गार्डन बहुत अच्छा है। नहीं बट झूले ज्यादा है इस गार्डन में। वायन चढ़ा हुआ है, आयन वो करते हैं, ये करते हैं आया ना। मैं भी चल रही हूँ। सो गाइस, हमें पता चल गया है कि वो मूर्ति कहाँ है। तो हम रिक्शे से जा रहे हैं और रेहान क्या बोल रहा है, हाय। सो अब हमने एक रिक्शा पकड़ लिया है, अब जल्दी से उस मूर्ति के तक चलते हैं, देखते हैं कितनी बड़ी होगी। सो एक्साइटेड, बाहर का वेदर तो जस्ट ऑसम। इतनी बड़ी मूर्ति मैंने तब भी नहीं देखी थी। देखते हैं गाइस कितनी बड़ी मूर्ति है। गाइस बट अभी ये बंद है, एक घंटे बाद खुलेगा 2 बजे। तो अभी 1 घंटा टाइम पास करते गाइस। हम ऐसा ट्रेजेडी हो गई, बंद है वो, 2 बजे खुलेगा। अभी 1-2 घंटे हैं, खाना पीना खाते, कुछ शॉपिंग करते। देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अभी चलते हैं। वाह कितने मस्त पेन है, ये मैंने लिया है। इसमें यहाँ पे लाइट जलती है। ओके। गाइस अब हम लोग कर रहे थे मस्ती, हम लोग आ गए डोसा खाने। सो गाइस ऐसा आप लोग जानते हैं 2 बजे को खुलेगा, आधा घंटा बचा है। खाना हमने डोसा खा लिया था, थाली ऑर्डर करी थी। तो अब हम कुछ मोनेस्टीज घूमते हैं, एज बौद्ध गया फेमस ही मोनेस्टीज के लिए है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के मोनेस्टी बनी है, 20 से भी ज़्यादा। सो अब हम सबसे पहली मोनेस्टी में घुसे, इसका नाम है थाईलैंड मोनेस्टी। चलिए गाइस अंदर देखते हैं। ओह गॉड बहुत ही अच्छा लग रहा है, आइए अंदर से भी देखते हैं इसको। नमस्ते
गाइस मोनेस्टी के अंदर की हमने वीडियोस तो नहीं बनाए, बट ये हमारे कुछ फोटोज हैं। अंदर से देख सकते हैं आप कितनी प्यारी मोनेस्टी बना रखी है, थाईलैंड मोनेस्टी। कितना बड़ा है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे बुद्धा का कितना बड़ा स्टैचू है। आप देख सकते हैं हाइट और जितना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मौसम भी अच्छा हो गया, बारिश हो गई है, देखिए गाइस कितना प्यार लग रहा है। जैसे जैसे गाइस हम पास जाते जा रहे हैं मूर्ति बड़ी होती जा रही है। सो गाइस फाइनली मूर्ति देखने के बाद रात हो गई है। हम लोग आ गए हैं फिर से महाबोधि महावीरा टेम्पल। देख सकते हैं आप गाइस रात में कैसा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जल्दी से फ़ोन सबमिट करते हैं और अंदर जाते हैं, अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं रात में। चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइस ये हम आपको दिखाते हैं बाहर से टेम्पल ऐसा लगता है, ये अंदर जो मूर्ति है उसकी है, बाहर है और आप देख सकते हैं। सो अब हम लोग रात हो गई, फिर से हम एक और मोनेस्टीज में आ गए। बहुत सारी शॉपिंग करी हमने गाइस, आगे आपको वीडियोस में दिखाते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग करा है। देख सकते हैं आप एक और ये मोनेस्टी हमारी। फाइनली रात हो गई है, सारी मोनेस्टीज हमने घूम लिए, टेम्पल्स घूम लिए, रात हो गई है, खाना भी खा चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सारी चीजें जो हम लेकर आए हैं बौद्ध गया से। सो पहले तो हमने ये दो पेंसिल ली है जिनमें लाइट जलती है। लाइट ये देखिए गाइस, ये भी मेरी भी। हाँ देन ये आयान ने लिया है ये बबल्स बनाने वाला है। और फिर उसके बाद ये मैंने दो पेंस लिए हैं, ये डॉल्फिन और एक यूनिकॉर्न। दिखा देते पेन एंड ये ओपनिंग टाइप थी और ये ले पेन, ये हटाओ रे तब पेन। नेक्स्ट हमने ये लाफिंग बुद्धास लिए हैं। वैसे तो तीन होते हैं बट चार होते हैं, एक बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो, ये हमने लिया है। देन ये हमने कुछ बैंगल्स लिए, एक ये वाला है कितना मस्त लग रहा है पेटी। देन हमने ये एक और लिया है ये वाला एंड ये तीन हमने बैंगल लिए। फिर देन ये सिंदूर है,
ये हमने गिफ्ट करने के लिए पर्पस से लिया है, ये सिंदूर रखने का केस है, ये वो चादर, ये सब गिफ्टिंग पर्पस से है। फिर ये दो भी हमने गिफ्टिंग पर्पस से लिया, आप देख सकते हैं बुद्धा है पैर के नीचे, और ये हमने हमारे घर के लिए लिया है, ये बड़ा वाला है इसका। ये देता है देन ये हमें चीजें मंदिर से मिली, आप देख सकते हैं इसमें ये चादर है, ये फ्लावर्स हैं और ये भी फ्लावर्स हैं। सर ये पूरी हमने, और मेन चीज तो हम भूल ही गए, ये हम लाए हैं ये बजाने वाले, आप आवाज सुनिए। सो ये सारी चीजें गाइस हमने लिए बहुत गैस से। सो व्लॉग ऑब्वियसली अब यहीं एंड कर देते हैं। यस सो गाइज यही हमारा व्लॉग था, तो हम बोधगया गए थे, कल हमारा डिपार्चर है, कल हम लोग जाने वाले हैं पटना, जहाँ का व्लॉग मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलूंगी। बाकी अगर आप इन सारे आर्टिकल्स के प्राइजेस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इन सब के प्राइजेस बता दूंगी। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली बार एक न्यू वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।